आज आप हमारे गार्डन में आए हैं, हमने बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ लगा रखे हैं और हमें नर्सरी जाने के बाद ये पेड़ दिखाई दिया। इसका नाम है बार्बिट्रॉन डेजी और ये फूल का पेड़ जब हम ले के आए थे इसमें एक फूल लगा था और वो सूख गया, पेड़ भी सूखने लगा। और जब पेड़ सूखने लगा तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, फिर मैंने इसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया। उसमें हमने कोकोपीट, बोनी मील और सरसों की खली, नीम खली, ये सब को मिक्स करके खाद बना के उसमें डाला और इस पेड़ को छाया में रख दिया। छाया में एक महीने तक हम रखे रहे, उसके बाद ये पेड़ अच्छा हरा भरा होने लगा। फिर हम इसको कभी धूप में कभी छाया में रखते रहे और अब इसमें करीब 1-1.5 महीने बाद इसमें ये कलियाँ आईं और ये दो फूल खिले हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे। आप भी देखिए ये कैसे लग रहे हैं और अपने यहाँ भी आप नर्सरी से ले कर आइए और लगाइए। इसमें सिर्फ पानी जो है उसका ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सुबह शाम ज़्यादा नहीं डालना है, छोटे से गमले में लगा हुआ है, ये 9x5 के गमले में लगा है और इसमें हम सुबह आधा गिलास पानी और शाम को भी कभी अगर ये सूखता दिखाई देता है तो मैं इसमें आधा गिलास पानी और डाल देती हूँ तो इसके फूल बहुत सुंदर हरे भरे दिखाई देते हैं।